नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशिता नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की जाति पर दी गई टिप्पणी पर चुप्पी तोड़ी है। जी हां, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाए जाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बार बार झूठ बोलने की आदत है। दरअसल पीएम मोदी की जाति पर उठाए जा रहे सवाल का अमित शाह ने जवाब दिया। राहुल गांधी ने उड़ीसा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि जब कोई भाजपा कार्यकर्ता आपके पास आए तो उसे एक बात बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश से झूठ बोला है, झूठ बोला है कि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का जन्म पिछड़े वर्ग में नहीं हुआ, वो सामान्य जाति से है। ये बात आप हर जगह भाजपा कार्यकर्ताओं को बताएं। बता दें कि राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए बयान के बाद सामने आई थी। दरअसल पीएम मोदी ने संसद में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी कहा था। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को पिछड़े समुदाय के नेताओं से पांखड़ी जैसा व्यवहार करने और दोहरे मानदंड अपनाने का भी आरोप लगाया था। पीएम मोदी की जाति पर उठाए जा रहे ये सवाल अमित शाह ने करारा जवाब देकर मिटा दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की एक पॉलिसी है कि झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। जहां तक मोदी जी की जाति का सवाल है तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं। राहुल गांधी को शायद उनके टीचरों ने ये समझाया नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बड़े ही भारी मन से मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिस नेता को दुनिया यशस्वी नेता मानती है उनकी जाति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी जी की जाति गुजरात में 25 जुलाई 1994 को ओबीसी में लिस्ट में शामिल हो गई थी। इस समय तक मोदी जी चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। इसी के साथ इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी अल्पसंख्याओं को नागरिकता देना है। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ स्टोरी हाउ।